विस्तारवादी चीन ने ताइवान को क्या दी है धमकी? क्या चीन का आक्रामक रुख वर्ल्ड वॉर की आहट है? और क्या इसराइल हिजबुल्ला के बीच फिर से बढ़ रही है युद्ध की आशंका? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 वॉर जोन विशेष में। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव वर्ल्ड वॉर 3 की आहट दे रहे हैं। चीन ने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख ताइवान को प्रलय के दिन की धमकी दी है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका को टारगेट कर चाइना सी में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को संघर्ष का कारण बताया है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए चेतावनी दी है कि वो ताइवान पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन ने कहा कि अगर पश्चिमी देश ताइवान की मदद के लिए आगे आते हैं तो इससे वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। इससे पहले चीनी फाइटर जेट्स कई बार ताइवान के एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका और कनाडा की एक हरकत ने चीन को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। ताइवान की खाड़ी के रास्ते युद्धपोत भेजने पर चीन ने अमेरिका कनाडा का विरोध किया है और दोनों पर एक क्षेत्र में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया है। लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्ला को लेकर इसराइल का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्ला से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन थोपा गया तो पीछे नहीं हटेंगे। सूत्रों के मुताबिक लेबनान के चरमपंथियों को जवाब देने के लिए इसराइल बड़ी तैयारी कर रहा है। समंदर में भी दुश्मन अब भारत से कांपेंगे। खबर है कि वायुसेना की जान बन चुके राफेल फाइटर जेट जल्द ही नौसेना में भी शामिल हो सकते हैं। भारतीय नौसेना इसके नेवल वर्जन का परीक्षण करने जा रही है। साल 2022 की शुरुआत में राफेल का नेवल वर्जन भी भारत आ सकता है। चीन ने बयान जारी कर बताया है कि उसने मिसाइल नहीं बल्कि हाइपरसोनिक वाहन का परीक्षण किया है। इससे पहले एक प्रमुख ब्रिटिश समाचार पत्र ने ये दावा किया था कि चीन ने उन्नत अंतरिक्ष क्षमता वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। आतंकी मोल पाकिस्तान के हाथों से बलूचिस्तान निकलने लगा है। आज क्वेटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास भीष्म ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। धमाका एक पुलिस मोबाइल वैन के करीब हुआ। बलूचिस्तान में पाक आर्मी और पुलिस लगातार विद्रोहियों के निशाने पर है। इसराइल चुपचाप विवादित सेटलमेंट प्रोजेक्ट और जेरूशलम के आसपास के हिस्सों पर अब आगे बढ़ रहा है। इससे दक्षिणी वेस्ट बैंक में बसा पूरा फिलिस्तीन समुदाय जेरूशलम से कट जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल का ये कदम क्षेत्र में फिर तनाव भड़का सकता है। इसराइल ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो 50 मीटर दूर से भी दीवार के पीछे छिपे दुश्मन का पता लगा सकता है और उसे ढेर करने में मददगार होगा। इस डिवाइस का नाम जेवियर XLR-40 है। कल से शुरू हो रहे पेरिस सेफ्टी एक्सपो में इसे पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा। ये खुफिया और आतंकी ऑपरेशन में कारगर साबित होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।